साहब की एक ट्रेनिंग थी वो ये थी कि हम कश्मीर से माइग्रेट होके आए थे मेरे पेरेंट्स, तो बहुत कुर्बानियाँ हमारी फैमिली ने दी उस दौरान, बड़ी जाने गईं, बड़ी चीज़ें अपनी दाव पे लगाईं, लेकिन एक चीज़ जो थी कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा वो मेरे हमारे वालिद ने कूट कूट के डाला हुआ था। अब मैं तो उस टाइम वैसे ही एक खान साहब से ख़ुद भी एक सेलिब्रिटी थे और हमारे हमेशा से हीरो और आइडियल, लेकिन जब खान साहब बोल रहे थे मुल्क के खातिर, मुल्क के लिए, तो वो दिल से बोल रहे थे और दिल में उतर रहे थे। मतलब मुझे ये था कि सियासत का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि सियासत का एक ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने, एक ये पिक्चर थी कि दिस इज़ अ डर्टी गेम, हमारे लिए नहीं है, और ये मखसूस लोग होते हैं जो इसमें आते हैं और काम करते हैं। लेकिन खान साहब जब आए और जब उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी तो मुझे लगा ही इज़ द राइट पर्सन जिसके साथ मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैंने गैर इरादी तौर पे मेंबरशिप भी की, अगले दिन ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आप हमारे साथ काम करेंगी। मैंने कहा हाँ मैं करना चाहती हूँ काम, क्योंकि कुछ काम करना चाहती थी और ये था कि जब तक सिस्टम का हिस्सा ना बने तो आप कुछ काम कर भी नहीं सकते। बहरहाल उस टाइम तो सिस्टम क्या, हमारा दूर दूर तक एज ए पार्टी भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। काम शुरू किया, मैं पहले अपने इलाके की मेंबर बनी, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी, फिर जो टाउन की प्रेसिडेंट बनी, फिर अपनी यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी, फिर प्रेसिडेंट सूबाई हल्के की बनी, फिर मैं प्रेसिडेंट लाहौर 5 साल रही, फिर मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पंजाब, इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब, पीटीआई की पहली जो खवातीन में से था, पाकिस्तान का पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें माशाल्लाह हिस्सा लिया और भरपूर अक्सरियत के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर पीटीआई की हिस्ट्री की 2013 में मैं पहली एमपीए फीमेल एमपीए भी बनी। अब जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, मैं रहूं ना रहूं, ये नाम होगा कि पहली फीमेल एमपीए कौन थी पंजाब से, तो वो पीटीआई की हिस्ट्री में नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम भी आपको पता है अपोजिशन थी और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दबंग तरीके से की, कोई जलसा जलूस, हम लोग शायद साथी हैं तहरीक के, और वो हम वज़ीरिस्तान जा रहे हों, जहाँ भी जो भी धरने के जो दिन है सारा इकट्ठा गुजारा, और मेरी पुलिस ने मेरी बाजू भी तोड़ दी थी। बहरहाल इस टेन्योर में भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी दोबारा। इस टाइम जो मेरे पास महकमे हैं, मैं चेयरपर्सन हूँ एक्साइज टैक्सेशन जैसे आपने बताया, फिर मैं चेयरपर्सन हूँ आर्ट स्पोर्ट्स फंड की, फिर मैं एलडीए बोर्ड की डायरेक्टर हूँ और 2 कमेटियों को चेयर कर रही हूँ, फिर पावर और एनर्जी की हूँ, और उसके साथ में मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ये जो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो, इनकी भी मेंबर, वन ऑफ द डायरेक्टर और स्टैंडिंग कमेटी, लाहौर यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर हूँ, और उसके अलावा तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट, और अब एक वो भी है कि प्रिविलेज कमेटी की भी मेंबर हूँ, और साथ की जो जो पार्टी जिम्मेदारियाँ देती जा रही है मैं लेती जा रही हूँ।